एक आदमी बड़ी मुश्किल से सिर्फ जुमा पढ़ता है, बाकी नमाज पढ़ना तो दूर, मस्जिद के करीब जाना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। बहुत खतरनाक जगह पे खड़ा, बहुत खतरनाक जगह पे खड़ा। जो पूरे हफ्ते की नमाजें नहीं पढ़ता, उसे सुनाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक नमाज छोड़ने वाले को जानबूझकर क्या कहा था, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन, जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ दे वो कुफर करता, एक नमाज। और जो पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ता, क़यामत के दिन, कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, मालिक फरमाता है जब अल्लाह मालिक क़यामत का दिन होगा, अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएगा, पिंडली अया करेगा, लई सकमिसली ही शई, जैसे उसकी शान के लायक है वो वही उस कैफियत को जानता है, हम उस कैफियत को नहीं समझते। तो लोग सजदे में गिरेंगे, कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे जिनकी कमरों को तख्ता बना दिया जाएगा, वो सजदा करना चाहेंगे कर नहीं सकेंगे। जिसने दुनिया में सजदा नहीं किया, अपन दादा नहीं करते, शैतान ने एक सजदे से इनकार किया, मरदूद हुआ। और जो पूरे हफ्ते के सजदे ना करे वो कहां जाएगा, उसे तौबा करनी चाहिए अल्लाह से।